ऐसा लास्ट क्लास में बताया था, हमारी इच्छा है कि मैं आज भी इस टॉपिक को कुछ ना कुछ बताऊं। तो क्या सब बच्चों को पता है क्या ये सब चीज? यस सर। तो मैं फिर से बताऊं ना? यस सर। नो सर, इसको आगे बढ़ाएंगे, कल ही से बता दिए। अरे यार, सारे बच्चों को पता चलना चाहिए, थोड़ा सीरियस रहा करो यार। सारे बच्चे जब तक समझ नहीं जाएंगे, सीख नहीं जाएंगे तो ठीक है। लगता है कि तुम लोगों को पता है तो ठीक है, तुम बोर्ड पे आ जाओ। इधर दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम रिटेन ऑन द बोर्ड। अगर आपको पता है तो लो मैंने मिटा दिया। आप बेरिलियम का चौक वहां पे, बेरिलियम का और बोरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो यहां पे। इसने सही लिखा, इधर आ जाओ। दिस इज द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल साइंस फाउंडेशन। और ये बच्चा को पता है, मुझे कभी कभी लगता है कि इसको पता है, इसलिए मैंने इसे बुलाया। चलो अब तुम आओ, इधर आओ। तुम मुझे कार्बन का लेकर के दिखा। इस तरीके से लिखना है कि लोगों को ये टॉपिक आपके जवान पे होना चाहिए, ठीक है? इसका भी सही है। दिस इज द सेकंड स्टूडेंट ऑफ ऑल साइंस फाउंडेशन। और कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बच्चे के पास टॉपिक जो जाए ना, ठीक है, जाकर बैठो। अब यहाँ पे इन टॉपिक से रिलेटेड जो मेरे पास आगे का टर्म जो खाली है, ये लाइन, ये वैलेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या एक है तो वैलेंसी भी होगा एक, दो है तो दो, 1, 2, 3 अगर रहेगा ना तो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना भी क्या होगा वैलेंसी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, वैलेंसी एक, दो दो, तीन तो तीन, चार के बारे में थोड़ा सोचेंगे। तो कार्बन के पास चार है तो इसका हम लिख देते हैं डायरेक्ट चार, चार तक चलाते हैं लेकर के। एलिमेंट का जब एटोमिक नंबर बढ़ जाता है ना तो उसमें कंडीशन में थोड़ा अलग थ्योरी लगेगा, बट आप बेसिक आप सीख रहे होगी। अब यहां पे क्या आ गया, पांच आ गया। तो क्या करना है, 5 में से 8 को माइनस कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा, -3 इसका होगा। यहां पे 6 है तो 6 में से 8 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, -2। मेटल का जो वैलेंसी होता है वो पॉजिटिव में होता है, नॉन मेटल का वैलेंसी क्या होता है, नेगेटिव में होता है। यानी कि जब तक आपको वैलेंसी का जानकारी नहीं होगा आप कंपाउंड को बना नहीं सकते हो। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया यहां पे, कंप्लीट का रिएक्शन, मैंने ऐसा लिखा कंप्लीट रिएक्शन। सपोज मैंने लिखा यहां पे सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, आपके दिमाग में बहुत सारा बात आएगा, ये बनेगा वो बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, कुछ भी लिख देता है। इसका वैलेंस एक है, ऑक्सीजन का वैलेंस देखो यहां पर लिखा हुआ -2, यहां पर 2 लिख रहे हैं। इस साइंस से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो हमें पता है कि नॉन मेटल है तो नॉन मेटल, इसको क्रॉस करके हम लोग बनाते हैं, ब्रेन में कर लेता है क्रॉस। तो सोडियम के नीचे जो अंक आएगा वो 2 आएगा और ऑक्सीजन के नीचे क्या आएगा, 1। ये जो अब 1 लिखो या मत लिखो बात उतना ही है। तो Na2 सोडियम ऑक्साइड, सोडियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद एक तो ये बना दिया, दूसरा सोडियम का सुपर ऑक्साइड बनता है जो आपको 11th 12th में पढ़ना है, बट आप फाउंडेशन से जुड़े हैं तो मैं आपको एक क्लास 8 में मैं आपको पढ़ा दूंगा कि सोडियम के कैसे कंपाउंड बनते हैं, सुपर कैसा होता है, इसे बता दूंगा। बच्चों ये जानना जरूरी होता है कि वैलेंसी कितना है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जब दोनों जान जाओगे तो केमिस्ट्री का आप समझ लो कि दो स्टेयर आप चढ़ गए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।